अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहाँ इतने फितने हैं वहाँ एक और फितना इंडिया में हमें नज़र आया वसीम रिजवी के नाम से। ये वसीम रिजवी ये कोई शिया काउंसिल के कोई रुकन थे, चेयरमैन थे, वट एवर ही वॉज। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम सामने आया है वो ये है कि ये अपनी छोटी सी अकल में, इनके बातें कुछ आई नहीं तो इन्होंने उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल कर दिया कि कुरान करीम की 26 आयात निकाल दी जाए। जब दिमाग ख़राब होता है ना आदमी का तो फिर इस तरह उल्टी सीधी बातें करता है। अच्छा, अपने बीजेपी के इनके लीडर भी बड़े ख़िलाफ़ हो गए हैं इसके। ये और ये जो कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ है ना, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़, उसने भी इनसे कहा अपोलोजाइज़ करो, क्या फालतू बातें कर रहे हो, यानी बेकार की बात। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जिस खिताब की हिफाजत का फ़ैसला फरमाया है और कहा है कि इसमें रद्दो बदल नहीं हो सकता, ये नाम नहाद मुसलमान जो है ये कहते हैं कि इसमें से ये आयत निकाल दो, वो आयत निकाल दो, ये दरअसल जो है ना ये नाम नहाद मुसलमान है। जो कुरान की किसी एक हर्फ का भी इनकार करते ना वो बाहर हो जाता है इस्लाम से, बिल्कुल फारिग हो जाता है। और ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, किसको खुश कर रहे हो भाई? इस तरह तुम भी पसंद नहीं हो हमें, तुम्हें भी हम मुल्क से निकाल दें, क्या ख्याल है? निकाल देते तुम्हें, बॉर्डर पे जाके छोड़ देते हैं, किसी भी तरफ निकल जाओ तुम पसंद नहीं हो हमें। तो भाई अल्लाह की किताब है, क्या समझ रखा है तुमने? अल्लाह की किताब को मजाक समझ रखा है तुमने? फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। बड़े आए तुमसे, बहुत बड़े बड़े आए, बड़े बड़े फिरौन आए, बड़े बड़े हामान और नमरूद आए, उड़ गए, पता भी नहीं चला किसी को। ज़मीन खा गई, आसमां कैसे कैसे मिटे, नामियों के निशान कैसे कैसे। तो ये गीदड़ बपकियाँ हैं, ये जिनके इशारों पे नाच रहा है ना, ये जिनके इशारों पे नाच रहा है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। वो पीछे से डोर है किसी के हाथ में, उन्होंने कहा कि भाई हम बाहर वाले आते हैं तो ये कहते हैं भाई तुम तो किसी और धर्म के हो, चलो इनके धर्म में से कोई अपना पिट्ठू उठा देते हैं। ये कठपुतले हैं, कठपुतलियाँ हैं, दूसरों के हाथों में इनकी डोरें हैं, वो चलाते रहते हैं, इनको ये चलते रहते हैं। आप परेशान ना हो इन फालतू लोगों से, या कुछ नहीं उगाड़ सकते। ये कुछ ना कुछ शोशा लगाए रखना होता है ना, हुकूमत ने भी तो कुछ ना कुछ शोशा लगाए रखना होता है। आप लोग मसरूफ़ रहें, इधर उधर आपकी नज़रें जाती हैं ना, महंगाई हो गई है, गैस की प्राइस बढ़ गई है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है, मिर्ची बढ़ गई है, धनिया बढ़ गया है, प्याज बढ़ गई है, टमाटर बढ़ गए। इन्होंने कहा कि चलो इनको यहाँ लगा दो, उन्होंने यहाँ लगा दिया आपको। ये पॉलिटिक्स है ये खेल चलता रहता है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आने वाले भी देखते रहेंगे। ये देखें, बोला उन्होंने कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेनी आपको, टेंशन लेनी नहीं है, देनी है। वो कहेंगे ना टेंशन लेने का नहीं, बस देने का है। तो बंधे रहें, लगे रहें, आप मजबूत रहें, फिक्र ना करें। वसीम रिजवी ऐसे बहुत आए गए, आते जाते रहते हैं, ये अपनी आखिरत अपने हाथों से ख़राब कर रहे हैं। इन्हें टेंशन होनी चाहिए, इन्हें फिक्र होनी चाहिए, आप फिक्र ना करें। हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, हम कराएंगे एहतजाज रिकॉर्ड अच्छे तरीके से कराएंगे, ताकि बात समझ में आ जाए, पूरा मन तरीके से कराएंगे। क्योंकि जो बात गलत है गलत है, उस पर हम बोलेंगे ये बात गलत है, लेकिन कानून नहीं हाथ में लेंगे, कानून हाथ में नहीं लेंगे, कानून के कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, कोई नियम नहीं तोड़ेंगे। तो बात यही है कि कानून के दायरे में रहते हुए काम करते रहे, लेकिन कानून के दायरे से ना निकले, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। और ऐसे लोगों को फिर उन्हीं की मार मारे, कोर्ट में जा रहे हैं ना, कोर्ट की मार मारे, इल्म की मार मारे, इन्हें बुलाए मनाजरों पर, आ जाओ बच्चों क्या प्रॉब्लम है, बैठ के बात करते हैं, तुम्हारी सारी एकड़ी निकाल देंगे, तुम्हारी अकल सारी ठीक कर देंगे, आ जाओ। तो बस यही है इनका, इनका ये ना जिनको पसंद नहीं आती वो निकाल दें, तो फिर तुम भी हमें पसंद नहीं आते, तुम्हें भी हम निकाल देते, क्या ख्याल है? इनका पासपोर्ट वासपोर्ट लेके ना इनको निकाल दो, किसी भी तरफ हिमालय की तरफ निकाल दो, तो जाओ तुम सन्यास बैठ जाओ। अजीब लोग हैं यार, क्या है, मजाक बना के रखा हुआ है। थोड़े दिनों में कोई एक आध छोड़ देते हैं पटाखा,
और फिर बैठे तमाशा देखते रहते लोग। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, क्या कहें। और लोग जो है वो आपे से बाहर हो जाते हैं, वो कहते हैं हो ये क्या हो गया। ये आप इन लोगों को समझें, समझें इनको, उनको बड़े कूल माइंड के साथ ना इन्हें डील करें आप। ये चाहते हैं इश्तियाल में आके ना कोई ऐसी हरकत हो फिर हम उसको इशू बनाएं। इशू नहीं बनना, खेलना नहीं है इनके हाथ में, अपने आप को देना नहीं है, बस ये याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।